नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद तीसरे दिन भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और साथ ही आपको बता दें कि मंगला आरती देखने को लेकर भी लंबी लाइन भी लगी रही। लोगों को भारी भीड़ को देखते हुए गर्भगृह में वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, साथ ही डीजी प्रशांत कुमार और स्थानीय अधिकारी भी मौजूद रहे। पूरे मंदिर परिसर में जय श्री राम के जयकारे श्रद्धालु लगाते रहे और आज 2.5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए हैं और दर्शन का समय सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि मंगला आरती में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, तस्वीरें अयोध्या की हैं जहां पर 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने एक दिन में दर्शन किए हैं। तो इसी को देखते हुए आपको बता दें कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और 23 जनवरी से आम जन के लिए मंदिर को खोल दिया गया और आम जनों ने भारी संख्या में जाकर मंदिर में दर्शन किए। तो वहीं उसी को देखते हुए 24 जनवरी को आपको बता दें कि समय सीमा जो है वो बढ़ा दी गई है क्योंकि भक्तों का तांता लगा हुआ है, जिसको देखते हुए मंगल आरती में आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसको लेकर समय सीमा अब जो है वो बढ़ा दी गई है और अब जो श्रद्धालु आए हुए हैं उनको 10 बजे तक मंदिर में प्रवेश की अनुमति है, वो दर्शन कर सकते हैं 10 बजे तक। और अभी आपको बता दें कि सुबह से ही भक्तों का तांता अयोध्या में राम मंदिर में लगा हुआ है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर भगवान की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु काफ़ी आतुर नजर आए और भारी भीड़ भी उमड़ी, लोगों ने दर्शन किए और साथ ही मंगला आरती में श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ भी देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश की झांकी रामलला की सुंदर प्रतिमा के साथ में अब आपके सामने है। श्री अयोध्या धाम में आपको बता दें कि नव निर्मित राम मंदिर समृद्ध विरासत के साथ विकसित भारत के अमृत प्रसाद को भी समेटे हुए है। साथ ही आपको बता दें कि 2025 में होने वाले महाकुंभ का प्रतीक भी है। रैपिड रेल का मॉडल पहली रैपिड रेल सेवा के शुभारंभ को दर्शा रहा है। उत्तर भारत में सिर्फ यूपी में बनने वाले ब्रह्मोस मिसाइल और मेक इन इंडिया का लोगों ने नए भारत के निर्माण में प्रदेश के योगदान को रेखांकित किया हुआ है। लोअर एरिया में अयोध्या का दीपोत्सव, निर्माणाधीन जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और साथ ही नोएडा में एशिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री विरासत और विकास का संगम है और जिन्हें म्यूरल पर जो है उकेरा गया है। एलईडी डिस्प्ले पर उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे प्रदेश बनने की कहानी भी आप देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया है, जिस पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का भी बयान सामने आया। एसपी सिंह बघेल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर जो भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि कर्पूरी ठाकुर जी को सर्वोच्च भारत का नागरिकों का सम्मान जो है वो भारत रत्न से उनको विभूषित किया जा रहा है। मैं इसका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने ये एक भारत रत्न में भी अंत्योदय किया है कि अंतिम पीढ़ी पर खड़ी हुई जातियों के जो नेता जो शोषित रहे, पीड़ित रहे, वंचित रहे हैं और अपने स्वयं की योग्यता से, अपने संघर्ष से देश की राजनीति में और राजनीति से ज़्यादा समाज सेवा में जिन्होंने अपना एक नाम स्थापित किया था, उनको भारत रत्न दिया गया है। और इस भारत रत्न से उन तमाम शोषितों, पीड़ितों, वंचितों को भी आशा जगी है। बल्कि प्रधानमंत्री जी ने एक बार पुनः सिंपल सिटी पर मोहर लगा दी है कि ये देश विश्वगुरु बनने जा रहा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को छू चुका है, किसी नंबर की इकोनॉमी की तरफ अग्रसर है। इसके बावजूद हमारे डीएनए में सिंपल सिटी रहे। कर्पूरी ठाकुर 100% ईमानदार राजनीतिक थे, सविता नाई समाज से वो आते थे, लेकिन उनकी वजह से बड़ी बड़ी जातियों के नेता उनकी वजह से चुनाव जीत करके आते थे, इसीलिए उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया।
सोशल इंजीनियरिंग की जब भी बात होगी इस देश में तो कर्पूरी ठाकुर फार्मूला को सोशल इंजीनियरिंग का आरक्षण का बेस्ट फार्मूला। झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में गांव चलो अभियान की प्रदेश कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष द्वारा नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों का परिचय भी कराया गया है। बीजेपी का गांव चलो अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही प्रदेश कार्यशाला का आयोजन किया गया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, तस्वीरें झारखंड की हैं, जहां पर अभियान की सफल बनाने का ये संकल्प लिया गया और लगातार बीजेपी का गांव चलो अभियान लगातार जारी है और साथ ही प्रदेश कार्यशाला का आयोजन भी किया गया है। नोएडा के थाना सेक्टर 20 थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनकी पहचान ललित, रंजीत, कुलदीप और मोनू के रूप में हुई है। आरोप है कि अभियुक्तों ने वादी और वादी के साले और दोस्तों के साथ में गाली गलौज करते हुए मारपीट की थी, जिसके संबंध में पुलिस को सूचना दे दी गई है। आपको बता दें कि पूरा मामला नोएडा सेक्टर 20 का है, जहां पर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तारी की कार्यवाही को अंजाम दिया है। नोएडा के थाना जॉर्जिया पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अरुण उर्फ अन्नी के रूप में हुई है, जिसे चोल्स पुलिस थाना क्षेत्र जॉर्जिया से गिरफ्तार किया गया। बताया ये भी जा रहा कि आरोपी अरुण गैंग बनाकर चोरी लूट जैसी वारदातों को अंजाम दिया करता था। आरोपी लंबे समय से फरार था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बेस्ट चैनल है श्री ब्रजमोहन सिंह साधना न्यूज। बेस्ट चैनल है श्री ब्रजमोहन सिंह साधना न्यूज। ये पीछे बैठे लोगों से मेरा खास मेरी खास तवज्जो मैं अपनी चाहूंगी कि प्लीज आप लोग तालियां जरूर बजाएं। प्लीज यहाँ पे आने वाले सभी लोगों की हौसला अफजाई होती है आपकी तालियों से। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इस मौके पर संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, माननीय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, डॉक्टर नीरज बोरा जी, श्रीमती जय देवी जी, श्री लाल जी निर्मल जी,
मुकेश शर्मा जी, मोहसिन रजा जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, कृषि उत्पादन आयुक्त का स्थापना एवं शिवनीश अवस्थी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे गणमान्य अतिथिगण, जिन्हें अभी यहां पर अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्टतम सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया है, ऐसी सभी उपस्थित महानुभाव और उपस्थित भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के इस 75वें स्थापना दिवस के आयोजन के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश की सभी जनता जनार्दन को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि भारत का हृदय स्थल कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु अत्यंत प्राचीन काल से ही रहा है। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत उत्तर प्रदेश से होकर के बहती है और यही कारण है कि प्रदेश सरकार ने इसे जब थोड़ा भी प्रोत्साहन दिया और केंद्र सरकार का संरक्षण प्राप्त हुआ, आज उत्तर प्रदेश देश और दुनिया में अपना एक विशिष्ट स्थान बना रहा है। प्राचीन काल में हम सब इस बात को जानते हैं कि महाजनपद काल की जब हम गणना करते हैं और भारत के अंदर 16 महाजनपदों में से 8 जनपद ऐसे थे, काशी, कौशल, मल, चेली, वत्स, कुरु, पांचाल और सुरसेन, जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आते थे। अलग अलग समय में अवध, काम्यकुंज, काशी, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, ये सभी आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर इन सब की चर्चा होती है। और ब्रिटिश शासन के दौरान पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा और अवध को संयुक्त प्रांत आदि नामों से भी ये प्रदेश जाना जाने लग गया है। 1937 से लेकर 1950 को हमारे इस उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता है रहा है और 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू करने की तिथि 26 जनवरी के 2 दिन पहले जो नोटिफिकेशन जारी होता है उसमें संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम से इस नए प्रदेश का शुभारंभ होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के रूप में इसका नोटिफिकेशन भी जारी होता है, उत्तर प्रदेश के रूप में जाना भी जाने लग गया, लेकिन सदैव उत्तर प्रदेश को प्रश्नवाचक दृष्टि से ही देखा जा रहा था। यह हम सबके लिए कौतूहल आश्चर्य का विषय होता था कि सब कुछ प्रकृति और परमात्मा की कृपा है, प्राकृतिक संसाधन हमारे पास है, दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि है, युवा ऊर्जा है, प्रतिभा है, उस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश के सामने पहचान में संकट क्यों? और मैं इस अवसर पर स्मरण करूंगा प्रदेश के अपने पूर्व राज्यपाल माननीय श्री राम नाईक जी को,
जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जब प्रदेश में सरकार का गठन हुआ तो उन्होंने उस समय यद्यपि पहली सरकार को भी कहा था, लेकिन पहली सरकार ने तो नहीं, लेकिन 2017 में जब हमारी सरकार प्रदेश में आई उन्होंने मुझे भी कहा कि हर राज्य की अपनी स्थापना दिवस का होता है, एक अवसर होता है, वो अवसर उस राज्य के लिए अपने गौरव को महिमा मंडन करने और भविष्य की कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाने का एक अवसर होता है। और अगर उत्तर प्रदेश अपने स्थापना दिवस के कार्यक्रम को आयोजित करके प्रयासों को आगे बढ़ाता है तो अच्छा होगा। सरकार हमारी मार्च 2017 में बनती है तो स्वाभाविक रूप से 17 में हम आयोजित नहीं कर सकते थे, लेकिन 2018 जनवरी में, 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश ने अपना पहला स्थापना दिवस पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ आयोजित किया। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 7वां स्थापना दिवस के कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ गए हैं। 7वां स्थापना दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सप्तपुरियों में एक अयोध्यापुरी, अयोध्या धाम प्रभु राम के 500 वर्षों के एक लंबी अवधि के वनवास को तोड़ते हुए स्वयं अपने धाम में विराजमान हुए हैं। और इसलिए इस अवसर पर अयोध्या में प्रभु रामलला का विराजमान होना और उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस का एक कार्यक्रम होना, इन सब की मैं आप सबको बधाई देता हूं, प्रदेशवासियों की प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस सचमुच प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का एक सशक्त माध्यम बना। हमने अपने परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम की शुभारंभ की थी वह 24 जनवरी 2018 से ही प्रारंभ की थी। और 24 जनवरी 2018 से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ वह आज उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिला रहा है। 2018 में हमने इस कार्यक्रम को प्रदेश में लागू किया, आज परिणाम हमारे सामने है। यानी जहां पे पहले उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट कुल 86,000 करोड़ रुपए का था ओडीओपी की ब्रांडिंग से, उसे प्रोत्साहित करने से, उसको मार्केटिंग के साथ जोड़ने से, उसको न्यू डिजाइन और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का परिणाम क्या रहा कि आज लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट अकेले उत्तर प्रदेश ओडीओपी और अन्य प्रोडक्ट के माध्यम से कर रहा है। उसकी एक पहचान हमें इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से भी सितंबर 2023 को ग्रेटर नोएडा में देखने को मिला, जब दुनिया भर के 500 से अधिक फॉरेन बायर्स आकर के उस इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के उस पोटेंशियल को अपनी आंखों से उन्होंने देखा और उन्होंने वहां पे ऑर्डर प्लेस किए। उत्तर प्रदेश के दूसरे स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर 24 जनवरी 2019 हम लोगों ने अपने परंपरागत शिल्पी और कारीगरों के प्रोत्साहन के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा ग्राम स्वराज की जो परिकल्पना की गई थी, उस ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करता हुआ जो हमारा परंपरागत हस्तशिल्पी गांवों में निवास करता है, छोटे छोटे कस्बों में निवास करता है, उसके प्रोत्साहन के लिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इस कार्यक्रम में उन हस्तशिल्पियों और कारीगरों की ट्रेनिंग भी था, उन्हें सस्ते ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का कार्यक्रम भी था, उन्हें टूल किट उपलब्ध कराने का कार्यक्रम भी था,
और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने दो कार्यक्रम इस रूप में आगे बढ़ाए। आज ये दोनों योजनाएं देश के अंदर अपना धूम मचा रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना पूरे देश के अंदर पीएम विश्वकर्मा के रूप में आज धूम बचा करके हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए एक नया मंच बन गया है। और तीसरे स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हम लोगों ने यहां पर घोषित किया था प्रदेश के युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप की एक नई स्कीम, सीएम अप्रेंटिसशिप स्कीम को हम लोगों ने लागू किया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता की लाखों की संख्या में युवा आज इस स्कीम के साथ जुड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हर राज्य को अपने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने और ये केवल एक आयोजन न हो गया। अक्सर होता है महोत्सव का आयोजन करते हैं, महोत्सव हमारे लिए एक आयोजन मात्र हो जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, लोक विधाओं से संबंधित कार्यक्रम होते हैं, ये तो होने ही चाहिए क्योंकि हमारी पहचान है। लेकिन हमने ठोस क्या किया है, अपने अतीत से क्या सीखा है, वर्तमान को और अच्छा बनाने के लिए और भविष्य की व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कुछ करने जा रहे हैं, यह जानने और सीखने का एक अवसर भी हम सबके सामने होता है। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने इस दौरान बेहतरीन तालमेल करके उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को प्रोत्साहित करने का भी प्रयास किया। हम लोग जब आए थे 2017 में उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, वेतन देने के लाले थे, अव्यवस्था का तांडव था, उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट था, हमारा यहां का युवा अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था। लेकिन 2017 के बाद जब सरकार ने काम करना प्रारंभ किया और सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दिया, आज परिणाम हमारे सामने है। आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को, उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को देश के अंदर अपनी पहचान को बताने की आवश्यकता नहीं। और उत्तर प्रदेश ने इस दौरान अपनी स्थिति को भी, आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ किया, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया संजाल उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित किया। आज हमारे पास रोड की बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, बेहतर एयर कनेक्टिविटी है। उत्तर प्रदेश ने इस दौरान मैनलॉग स्टेट से हटकर के इनलैंड वाटरवे का पहला कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी से हल्दिया के बीच में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और सफलतापूर्वक संचालित है। तो उत्तर प्रदेश ने इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन करके भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को बेहतर किया है, एक्सपोर्ट को बढ़ाया है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, सूक्ष्म मध्यम उद्यम के क्षेत्र में हमारे उद्यमियों ने, किसानों ने, युवाओं ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत कुछ अच्छा करने का प्रयास किया। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। एमएसएमई विभाग भी इस दिशा में बेहतरीन प्रयास कर रहा है, उसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाने का हमारे पास समय है। आज जब पूरे देश के अंदर एक नई प्रतिस्पर्धा ओडीओपी के क्षेत्र में प्रारंभ हुई है, इस फील्ड में नई टेक्नोलॉजी के साथ उन्हें जोड़ने, नए उद्यमियों को इसमें अवसर दिखाने, युवाओं को इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए एक अवसर हमें देना होगा। और इसके लिए एमएसएमई विभाग एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहा करेगा और वह होगा कि उत्तर प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई यूनिट है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट की ताकत का एहसास हमें कब हुआ था, जब कोरोना कालखंड में लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश के कारीगर और श्रमिक उत्तर प्रदेश के लिए प्लान किए थे, जब लॉकडाउन लग गया था, काम धंधा छूट गया था, उस समय हम लोगों ने अपील की थी कि भाई इन लोगों को कोई ना कोई कार्य जरूर मिले। हमने उनकी स्किल मैपिंग करवाई थी और उसके बाद जब
हमने देखा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें आगे बढ़ी और मुझे प्रसन्नता है कि 40 लाख लोग जो उत्तर प्रदेश में आए उन सबको हमारे एमएसएमई यूनिट ने अपने यहां काम दिया और इसीलिए आज सीएम इंटर्नशिप स्कीम को आगे बढ़ाने के साथ ही एक स्कीम हम ऐसा भी तैयार कर सकते हैं और करेंगे जो ये 96 लाख एमएसएमई यूनिट है इसको हमने 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा से कवर भी किया है। 5 लाख रुपए की अगर कोई भी आपदा किसी भी दुर्घटना के शिकार या हमारे यूनिट से जुड़े हुए उद्यमी होते हैं उन्हें हम 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर उपलब्ध करवा रहे हैं। लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने इस फील्ड में आने वाले नए पहचान उसको अपना कारोबार कर प्रदेश के अंदर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।